मैं हूं नीलिमा रॉय। सीबीएसई एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, सीबीएसई एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, सीबीएसई एग्जाम क्या फिजिकल मोड में होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। उससे आप ये एज्यूम कर सकते हो कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर ने कहा कि हम एग्जाम तो लेंगे, और हमने बहुत टाइट रूल एंड रेगुलेशन रखा है। सेकेंडली कहा उन्होंने कि हम प्रिकॉशंस बहुत रखेंगे। थर्ड उन्होंने कहा कि जितने भी टीचर से उन्हें क्या किया जाएगा, टीचर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा। फोर्थ उन्होंने कहा कि हम 5000 से 7000 सेंटर कर दिए हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ बोर्ड के स्टूडेंट्स 7 लाख हैं एंड टीचर्स 1 लाख होंगे, कर्मचारी भी आएगा 1 लाख, तो टोटल आप देख रहे हो 9 लाख। 5 to 7000 सेंटर्स में 9 लाख स्टूडेंट प्लस टीचर प्लस कर्मचारी आएगा। तो आप इस कैलकुलेशन से समझ रहे हो कि ये कितना विकसी है। महाराष्ट्र सरकार ने भी यही कहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल हम नहीं करेंगे, हम तो एग्ज़ाम लेंगे। 3-4 से 5 मंथ से सबसे ज़्यादा बद से बदतर हालत है महाराष्ट्र में, बट वहाँ की गवर्नमेंट क्या कि लास्ट मोमेंट पे आकर बोली कि नहीं, हम एग्ज़ाम क्या किए, पोस्टपोन कर दिए, एक पॉइंट आगे बढ़ा दिए। उन्होंने कैंसिल नहीं किया, एक पॉइंट आगे बढ़ा दिया। वो भी पॉइंट क्या आगे बढ़ाया कि मई में हम 12th का एग्ज़ाम लेंगे और जून में जाके 10th का एग्ज़ाम लेंगे। जहाँ 4 मंथ में कोरोना केसेस कम नहीं हुए, इनफैक्ट और बढ़ गए, क्या 1 महीने में कोरोना केसेस कम हो जाएंगे? चलो ठीक है, आपने पोस्टपोन किया, अब आगे देखते हैं, अगर केसेस कम हो जाएगा तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो आपको तो एग्ज़ाम फाइनल लास्ट में जाके कैंसिल करवाना ही है। अब आया सीबीएसई का बात, सीबीएसई तो अभी तक ये भी काम नहीं किए, ना पोस्टपोन करवाई है, ना उन्होंने ये बोला कि हाँ भाई मैं दूसरे मोड से कुछ एग्ज़ाम लूँगा। उन्होंने तो सिर्फ एक ही बात बोला, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रिकॉशंस है, टीचर को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, 45 सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। कोरोना इतना बढ़ रहा है, सारे जगह जो लॉकडाउन लगे जा रहे हैं, आपके ये 4 प्रिकॉशन से ठीक हो जाएगा सब? और इस बात की क्या गारंटी है कि वैक्सीनेट लेने के बाद भी कोरोना नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में किसी को नहीं किया गया था? क्या किया था? ऑफकोर्स किया गया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ्स को 50-60% स्टाफ्स को क्यों कोविड हुआ? ये गारंटी है आपके पास कि वैक्सीनेट जो वैक्सीन ले चुका है उसे कोरोना फिर से नहीं हो सकता है? क्या ये गारंटी है आपके पास? और अगर हो जाता है तो आप क्या करोगे? हम आसपास न्यूज़ में अभी फिलहाल यही देख रहे हैं, पूरे न्यूज़ में अभी यही दिखा रहा है कि हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल ही नहीं है, पेशेंट्स बाहर में लाइन लगाकर बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो वहीं पे मर जा रहे हैं। क्यों? ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिल रहा है, और हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, एक बेड पर 3-3, 4-4 पेशेंट सोए हुए हैं। जरूरी है कि सारा पेशेंट्स को एक ही टाइप इन्फेक्शन हो? किसी को कम हो सकता है, किसी को ज़्यादा हो सकता है। अब तो ये हो गया ना कि कम वाले को भी एक के पास है, दूसरे के पास है, तो उसको अगर ज़्यादा है तो कम वाले को भी ज़्यादा हो जाएगा। प्रॉपर आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या समझ रहे हो कि सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाएगी? मौत के घाट में अभी आप उन्हें उतार रहे हो, ये बहुत ही गलत है। जो भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अब बस न्यूज़ देख रहे हो तो उससे ही एज्यूम कर लो कि क्या हो रहा है। सेंट्रल बोर्ड क्या एग्ज़ाम कैंसिल करवा सकती है या नहीं करवा सकती है? अगर सारे स्टेट गवर्नमेंट जब राज़ी होगी तभी ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, वरना नहीं होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीबीएसई को मेल की थी कि आप भी अपना एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन करवा लो, अभी तक सीबीएसई ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स आप अगर क्लास 10th ये सोच कर पढ़ रहे थे कि हाँ मुझे 10th का बस मुझे 10th का बोर्ड अच्छे से दे देना है, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और कोई अगर ऐसे स्टूडेंट है जो अगर ये सोच के पढ़ रहे थे कि मैंने 10th के सिलेबस से कुछ नॉलेज गेन किया है और इस नॉलेज से मेरा एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, स्कोर मुझे अच्छा आएगा, अच्छी कॉलेजेस मिलेगी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे, मैं नीट फोड़ूंगा, IIT फोड़ूंगा,
यूपीएससी क्रैक करूंगा, अगर जो ये पर्पस से पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत ही गुड न्यूज है। और जहाँ पे भी पोस्टपोन्ड हुआ है और ये 1 मंथ का टाइम में आपको जो मिला है इसे आप यूटिलाइज कीजिए, पढ़ाई को आप स्किप मत कीजिए। जो भी स्टूडेंट ये सोचकर स्किप कर रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये सोचकर आप स्किप मत कीजिए। आपकी नॉलेज ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अगर नॉलेज अच्छे से गेन कर लेते हो तो लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करोगे, लेकिन अगर आप नॉलेज गेन नहीं कर पाए तो फिर डिफिकल्टी होगी आपको। कोई भी फील्ड में अगर आप हो तो उसमें नॉलेज गेन करो। कोरोना का जो महामारी चल रहा है, आप एग्जाम की अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स है, अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वर्स्ट सिचुएशन में भी आपका एग्जाम लेगी, ऐसा नहीं है। वो उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा, उन्हें पोस्टपोन करना पड़ेगा, उन्हें कुछ और मोड में एग्जाम लेना पड़ेगा। आप उस चीज़ की टेंशन मत लो और आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो, नॉलेज गेन करो। नॉलेज गेन करोगे तो स्कोर खुद पे खुद गेन होगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और उन वो सारे स्टूडेंट जो अभी बहुत डिलेमा में है उन्हें इस वीडियो से क्लियर आउट होने दीजिए। सो थैंक यू एंड प्लीज़ 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 स्टे सेफ, स्टे एट होम।